अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डाटा हो तो हम उसको सिविल 3D में क्विकली कैसे बना सकते हैं और अपने सेंटर लाइन के एलिवेशन किसी भी इंटरवल पे कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो इसमें हम प्रोफाइल फ्रॉम फाइल बनाएंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग डाटा मुझे जो दिया गया है, ये एक PDF फाइल है, ठीक है। इसमें ये प्रोफाइल का डाटा दिया हुआ है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, इसमें जो लेवल दिए गए हैं वो 50 मीटर इंटरवल पे हैं और उनको 5-5 मीटर पे जो है वो कैलकुलेट करने हैं लेवल। ये रिपोर्ट लेनी है, तो ये क्विकली हम कैसे करेंगे इसमें सिविल 3D में। इस प्रोफाइल को हम कैसे ड्रा करेंगे हम यही देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने सिविल 3D ओपन किया हुआ है। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसकी जो अलाइनमेंट लेंथ है, ठीक है, वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। तो ये डाटा जो PVI का डाटा है जो इस प्रोफाइल में गिवन है, ठीक है, इसको मैंने एक्सेल में ऑलरेडी एंटर किया है यहाँ पे। और ये जो PVI के स्टेशन है, यहाँ पे मैंने वो प्रोफाइल से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके कॉपी भी किए हुए हैं ताकि हम क्विकली जो है वो इनको वेरीफाई कर सके। तो फर्स्ट जो स्टेशन है वो 0.05 है, यहाँ पे 0.05 है। सेकेंड जो फर्स्ट PVI है प्रोफाइल का, वो 270.42 है, यहाँ पे 270.42 है। और इसका एलिवेशन जो है 214.75 है और इसकी जो कर्व लेंथ है वो 150 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा PVI स्टेशन है वो 421.82 है और इसका एलिवेशन है 223.683 और यहाँ पे है इसकी जो लेंथ है वो 130 मीटर है, ओके। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 976.22 और इसका एलिवेशन है 223.55 और इसकी कर्व लेंथ है 130 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास 1+170.13, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एंटर किया है मैंने ये सेम स्टेशन और इसका एलिवेशन 214.82 यहाँ पे एंटर किया है मैंने और इसकी कर्व लेंथ भी यहाँ पे है। यहाँ पे लास्ट हमारा एंडिंग स्टेशन है 1506.65 और इसका एलिवेशन है हमारे पास, ओके, यहाँ पे 241.48। ये एलिवेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है, हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि ये एलिवेशन यही है या नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ये जो है टू वन फोर पॉइंट फोर डबल सेवन, ठीक हो गया। तो ये हमारे एलिवेशन आ गए और हमारा ये कर्व की लेंथ आ गई यहाँ पे। अभी इस डाटा को हमने टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में हमने सेव करना है, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट में। यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट का फार्मूला लगाया है, ओके। और यहाँ पे फर्स्ट सेल में हमारा स्टेशन आएगा, नेक्स्ट सेल में आपने सिंगल स्पेस प्रेस करना है, नेक्स्ट में आपका ये एलिवेशन आएगा, फिर नेक्स्ट में आपने स्पेस प्रेस करना है और एंड वाले में आपने ये जो एम्प्टी सेल है इस पर क्लिक कर देना है, इसको आपने यहाँ से ड्रैग कर लेना है, ओके। इसको अभी हमने कॉपी करना है नोटपैड में, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपने ये डाटा पेस्ट कर देना है। इस फाइल को आपने सेव कर लेना है, ओके। यहाँ पे आपने इसको कोई भी नाम दे लेना है, फाइल वन के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पे, ओके। इस फाइल को आपने क्लोज कर देना और इस फाइल को भी आपने क्लोज कर देना है। अभी यहाँ पे सिविल 3D में आपने आना है और आपने अपनी कोई भी, अगर तो आपने एग्जैक्ट अलाइनमेंट ड्रा करनी है तो आप वहां पे PI के डाटा से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट इसमें प्रोफाइल बना के दिखानी है, तो मैं पहले इसमें एक पॉलीलाइन ड्रा करता हूँ, ओके। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जो लाइन की लेंथ थी वो 15.06 थी, मैं इसको 15.07 ड्रा कर रहा हूँ, ओके। ये लाइन ड्रा होगी है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैं अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्शन सेम ही है, ओके। यहाँ पे मैं इसको अलाइनमेंट टेस्ट का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट स्टाइल है, कोई भी आप अपना स्टाइल जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे आप इसको कोई भी लेबल स्टाइल जो है वो आप रख सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पे ये जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये अलाइनमेंट बन गई है। ओके, अभी हमने इसकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आपने इस प्रोफाइल अलाइनमेंट को आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और यहाँ से होम टैब में क्रिएट डिजाइन, डाटा पैनल में प्रोफाइल, प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। और जहाँ पे आपका ये जो डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, और इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने इसका नाम दे देना है, मैं इसको जस्ट ऐसे ही नाम दे रहा हूँ DES का। और यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो आपने असाइन कर लेना है, और यहाँ पे जो भी कोई भी लेबल है आपका आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, और जस्ट इसको आपने ओके करना है। प्रोफाइल आपकी जो है वो इम्पोर्ट हो गई है। यहाँ से अभी आपने दोबारा प्रोफाइल में जाना है और क्रिएट सरफेस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रोफाइल है हमारी, ओके, जो अभी हमने बनाई है इसमें, और इसको आपने अभी जस्ट ड्रा इन प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करना है, और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। ओके, यहां से आपने अपना स्टाइल जो भी है प्रोफाइल का वो असाइन कर लेना है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, और यहाँ पे ये जो है एक ही प्रोफाइल हमने ड्रा करनी है, ये वाली, ओके, जो एग्जिस्टिंग है उसको हमने नहीं लेना है इसमें। अगर आपका ड्राइंग में कोई एग्जिस्टिंग है तो आप इसको, यहाँ पे आपने अपना बैंड स्टाइल ले लेना है। ओके, और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है और क्रिएट प्रोफाइल व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रोफाइल आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोफाइल हमारी बन गई है। अभी आपने इसके बैंड की सेटिंग कर लेनी है, व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी, और यहाँ से एलिवेशन है, एलिवेशन में आपने जो भी आपकी सेटिंग है आपने कर लेनी है यहां से। ये बैंड है, और बैंड में यहां पे आपने ये जो है, ये जो अभी हमने डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट की है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके ओके, तो इसको आपने अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। जो डाटा आपको रिक्वायर्ड नहीं है उसको आपने डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मुझे ये जो एक्स्ट्रा बैंड है ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, और अगर आपने ये ग्राउंड वाला सेक्शन रखना है, इसमें बैंड रखना है, तो आप रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड का कोई डाटा नहीं है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल हमारी जो है वो प्रिपेयर हो गई है। अभी आपने इस पे जो है लेबल वगैरह आपने लगा लेने हैं। अगर आपने इसकी प्रिंटिंग वगैरह करनी तो आप इसके लेबल जो है वो यहां से लगा सकते हैं। प्रोफाइल को आपने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, एडिट लेबल में जाना है, प्रोफाइल को सेट करना है प्रोफाइल, और यहां से आपने ये जो है इसके लेबल है वो ऐड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रेस्ट लेबल ऐड कर दिया है, ये लेबल ऐड कर दिया है। यहाँ पे अपना जो भी स्टाइल आपने क्रिएट किया हुआ है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ठीक हो गया। अभी इसमें आपने ये जो लाइन का ग्रेड है इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ओके, परसेंट स्लोप में आपने रख लेना है इसको, और यहाँ से आपने ये जो है ग्रेड ब्रेक है इसको भी आपने ऐड कर लेना है, और इसका जो भी आपके पास लेबल है वो आपने असाइन करके इसको जस्ट अप्लाई और ओके करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस पर जो भी हमारे लेबल रिक्वायर्ड थे वो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। ओके, अभी हम देखते हैं इसकी रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे ये टूल बॉक्स में जाना है आपने, रिपोर्ट मैनेजर। ओके, रिपोर्ट मैनेजर में आपके पास यहाँ पे प्रोफाइल है, और प्रोफाइल में यहाँ पे आपके पास इंक्रीमेंटल स्टेशन रिपोर्ट है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, प्रोफाइल हमारी, यह हमारी प्रोफाइल है,
और इसकी स्टेशनिंग आपके पास आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे 5 मीटर इंटरवल पे ये प्रोफाइलर कोड रिक्वायर्ड है। ओके डॉक्यूमेंट, ओके प्रोफाइल डेमो, ओके एट 5 मीटर, सेव, क्रिएट रिपोर्ट, ओके। प्रोफाइल रिपोर्ट हमारी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल रिपोर्ट है वो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो इंटरवल है, ये जो हमारा स्टार्ट स्टेशन था उसी से आया है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे पहले 0 पे ट्राई करता हूँ। ओके ओके क्रिएट रिपोर्ट, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी ये सेम जो हमारा स्टेशन था वही आया है, नो प्रॉब्लम। एक दफा हम इसको फिर ट्राई करते हैं, मैं इसको 5 से स्टार्ट करता हूँ। ओके क्रिएट रिपोर्ट, ओके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 मीटर के बाद हमारा जो भी इसमें स्टेशन है वो 5 मीटर पे हमारी ये रिपोर्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये था मेथड इसको बनाने का कि आप इसको कैसे बना सकते हैं और इसकी रिपोर्ट अपने रिक्वायर्ड इंटरवल पे कैसे ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।